नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज बंदवान मान अंदा होम्यो क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि टॉपिक है कि जिस मेडिसिन की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो कोविड के अंदर अम्र साबित हुई है। बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है, बहुत ही वंडरफुल रेमेडी है। और कोविड के अंदर इस मेडिसिन के लक्षण मैक्सिमम पेशेंट में पाए गए। 2019 में इस मेडिसिन को मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया जब एक डॉक्टर्स बड़े डॉक्टर्स को कोविड हुआ और उन्होंने अपनी कोविड स्टोरी में इस मेडिसिन को मेंशन किया। तब मैंने इस मेडिसिन को डिटेल में पढ़ा और इस मेडिसिन को काफ़ी 2020 की सेकेंड वेव में यूज़ किया। अब इस मेडिसिन के लक्षण कोविड में कोविड के पेशेंट में बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। और पेशेंट हमें जनरली आके कहता ही फ़ोन पे या हॉस्पिटल में जब भी हम उनसे हमारी कैश टैकिंग लेते हैं तो पेशेंट बोलते हैं कि साहब चेस्ट में बहुत वीकनेस फील हो रही है, थोड़ा सा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पलंग से नीचे उतर रहा हूँ, थोड़ा सा चल रहा हूँ तो सांस लेने में तकलीफ आ रही है। शॉर्ट ब्रेथ जिसको हम कहते हैं टेकिपनिया, ये बड़ी आम सिम्टम थे जो हमको मरीज से सुनने को मिल रहे थे। अगर हम स्टेनोमेटेलिकम का एक ट्राइंगल देखें तो ट्राइंगल में सबसे पहला सिम्टम होगा वीकनेस इन चेस्ट, ये इसका जैम इंडिकेशन है। और सेकंड जो इसका इंडिकेशन है सोरनेस ऑफ चेस्ट में, सीने में दर्द होना, ये इसका सेकंड इंडिकेशन है। थर्ड है इसका एग्रावेशन, इसका एग्रावेशन हल्के से बोलने से, खांसने से या हल्के से मूवमेंट करने से, चलने से, सीढ़ियाँ उतरने से, उसे इतनी ज़्यादा शॉर्ट ब्रेथ है, इतनी सांस भराती है कि वो बोल तक नहीं पाता है, ये इसका थर्ड है। हम इसमें हॉजनेस ऑफ वॉइस भी इसमें मिलेगी हमें पेशेंट में। ये एक ट्रायंगल है जो हमें हमेशा याद रखना है कि जो स्टेनोमेटेलिकम को रिप्रेजेंट करता है। अब जब हम डिफरेंट ऑथर को पढ़ते हैं तो डिफरेंट ऑथर इसके बारे में अपनी अपनी अलग राय रखते हैं। सबसे पहले हम जब सीएम बोगर को जब पढ़ते हैं तो सीएम बोगर इसके बारे में बोलते हैं चेस्ट फील्स वीक कैन हार्डली टॉक, पेशेंट में इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है कि पेशेंट बात तक नहीं कर सकता। और हम सब जानते हैं कि कोविड के हर पेशेंट की यही कहानी थी कि मुझे चेस्ट में इतनी वीकनेस है कि वो बोल तक नहीं पा रहा है, और हमने इन चीज़ों को देखा है। ये बोरिक की मेट्रामेडिका में रेस्पिरेटरी चैप्टर में अच्छे क्लियर कर शब्दों में लिखा हुआ है। एक बहुत अच्छे राइटर है सीएम बोगर, जो बहुत छोटी बात जिनकी बुक्स है सिनोप्टिक की, उसमें बहुत ही बोल्ड में ब्लैक में उन्होंने एक छोटी सी लाइन लिखी है कि शॉर्ट ब्रेथ फ्रॉम एवरी इफर्ट, छोटे से भी इफर्ट या छोटे से भी मोशन से, लीस्ट मोशन से भी शॉर्ट ब्रेथ हो जाती है, टेकिपनिया, सांस चलने लग जाती है। ये एक बहुत बड़ा जैम इंडिकेशन सीएम बोगर साहब ने हमें बताया है स्टेनोमेटेलिकम के अंदर। जब हम एलेंस की नोट पढ़ते हैं तो एलेंस की नोट में भी जो SCLN है, डॉक्टर SCLN है, उन्होंने ग्रेट वीकनेस इन चेस्ट लिख कर ब्लैक बोल्ड इटैलिक में लिखा है, ग्रेट वीकनेस इन चेस्ट फ्रॉम टॉकिंग, लाफिंग, सिंगिंग या अन्य, और इतनी वीकनेस होती है कि वो पेशेंट बोल तक नहीं पाता है। हम कई बार पेशेंट से बात करते हैं तो पेशेंट कहता है साहब इतनी चेस्ट में वीकनेस हो रही है कि मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा जैम इंडिकेशन है एलेंस की नोट की बुक्स में भी, सीएम बोगर में भी, बोरिक में भी। और मैक्सिमम मैंने पेशेंट से पूछा कि साहब किस साइड में तकलीफ, तो लाइंग ऑन राइट साइड की एक बड़ी चीज़ सुनने मिली। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, कई बार हम जनरल अगर पेशेंट कोविड का नहीं भी हो तो जब भी हम देखते हैं जब थ्री पैरोक्सिज्म की खांसी जब हम सुनने में आते हैं वहाँ स्टेनोमेटेलिकम मेंशन है। एक और बहुत अच्छे राइटर हैं जिनको मैं पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ, डॉक्टर EB Nash। EB Nash ने इस मेडिसिन के बारे में यहाँ तक लिखा है कि वो कहते हैं कि मैंने इस मेडिसिन में जितनी चेस्ट में वीकनेस है इतनी किसी और मेडिसिन में उन्होंने आज तक नहीं देखी, और आसपास भी नहीं देखते हैं। कहते हैं कि इतनी वीकनेस कि पेशेंट बोल तक नहीं पाता है, सीढ़ियाँ उतरता है तब वो उसे बड़ी असेंडिंग कंडीशन में उसे एग्रावेशन होता है। दूसरा EB Nash इस मेडिसिन के बारे में बोलते हुए कहते हैं कि ये सिर्फ मात्र चेस्ट वीकनेस के लिए ही नहीं जानी जाती है, ये बॉडी की दूसरी वीकनेस के लिए भी काफ़ी अच्छी रेमेडी है।
एक बहुत बड़ा इसका जेम इंडिकेशन ये भी है कि पेशेंट जब सोनेस ऑफ चेस्ट फील करता है तो उसे आराम हार्ट प्रेशर से होता है। जब मैंने एक पेशेंट को जब फ़ोन पर हिस्ट्री ले रहा था तो पेशेंट ने मुझे बताया कि मुझे चलने में सांस भर आती है और चेस्ट में बहुत दर्द होता है। तो मैंने कहा कि आपको आराम कैसे होता है, तो बोलती कि मैं चेस्ट पे तकिया उल्टा लगा के सोती हूँ, मतलब हार्ड प्रेशर से उसको आराम मिल रहा है। तो हार्ड प्रेशर से आराम में दो रेमेडियाँ और भी हैं, कोलोसिंथ भी है, आपकी ब्राइना भी है, पर वो एक अलग टोटलिटी बनाती हैं और ये एक अलग टोटलिटी बनाती है। तो ये एक बहुत ही बड़े बड़े मोटे मोटे एक इंडिकेशन है जो कि स्टेना मेटालिकम को रिप्रेजेंट करते हैं। पेशेंट को एम्ल्योरेट हार्ट प्रेशर से भी होता है और जब उसे कफ भार आता है तभी बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हम इस लर्निंग की प्रोसेस में मेरे जो अनुभव हैं, जहाँ जहाँ मैंने मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया है, जैम इंडिकेशन पे, टोटलिटी पे, मेंटल सिम्टम पे, इसकी चेन को हम बनाए रखेंगे। मैं नेक्स्ट भी आपको अच्छे से काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।